morning, all of students. Myself, Dr. Raghavan Singh, Assistant Professor in Mathematics. I am going to give you lecture on BSc UG MM 103. आज हम लोग BSc का टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस UG MM 103 स्कूल ऑफ साइंसेस. इंटीग्रल कैलकुलस UG MM 103 ब्लॉक फर्स्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट में है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. यूनिट सेकंड में टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूलाज. यूनिट थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन. यूनिट फोर है टेंजेंट नॉर्मल ऑफ द कर्व्स. ब्लॉक सेकंड में है यूनिट फाइव ट्रेसिंग ऑफ कर्व. यूनिट सिक्स है एरिया अंडर अ कर्व. यूनिट सेवन है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन. यूनिट फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर वन इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक डेफिनेशन. स्टैंडर्ड इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंट्रोडक्शन. इन दिस यूनिट वी हैव सीन दैट द डिफाइनाइट इंटीग्रल इंटीग्रल अलोंग ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स द साइन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस गिव्स अस एन इजी वे ऑफ इवेलुएटिंग सच एन इंटीग्रल बाय फर्स्ट फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. वेन एवर इट एग्जिस्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिट वी शैल स्टडी वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन. इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर टू मेथड. फर्स्ट मेथड इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. ऑब्जेक्ट्स. आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट वी शुड बी एबल टू डिफाइन द इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन. इवेलुएट सर्टेन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बाई फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द इंटीग्रेंट्स. यूज द रूल्स ऑफ द एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रल टू इवेलुएट सम इंटीग्रल्स. इंटीग्रेट अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बाई पार्ट्स. बेसिक डेफिनेशंस. द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक. मोर प्रिसाइजली वी हैव सीन दैट इफ अ फंक्शन एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ देन एफ प्लस सी इज ऑल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ वेयर सी इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. नाउ वी कंसिडर इंट्रोड्यूस अ नोटेशन हियर. वी शैल यूज द सिंबल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स टू डिनोट द क्लास ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ. वी कॉल इन द इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ. दस इफ फंक्शन एफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स देन वी कैन राइट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी. दिस सी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इन द केस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल. एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेंट एंड द डी एक्स इंडिकेट्स द फंक्शन एफ एक्स इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स. स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वेयर एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन. अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी. इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी. अगेन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी. अगेन इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी.
इंटीग्रेशन sec हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू माइनस sec x हाइपरबोलिक x प्लस c, इंटीग्रेशन cosec हाइपरबोलिक x इंटू cot हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू माइनस cosec हाइपरबोलिक x प्लस c, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट एग्जाम्पल है इवेलुएट ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 3 dx। सॉल्यूशन, वी नो दैट x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब, देयरफॉर इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब dx। देन इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब डी एक्स प्लस 3 डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्यूब डी एक्स। बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 3 को अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो x की पावर 4 अपॉन 4 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 log मॉड एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस सी, देयर फॉर्मूला इज सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवेलुएट ऑफ इंटीग्रेशन 2 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन, we have integration 2 plus 3 sin x plus 4 e ki power x dx. This integral can be rewrite as 2 integration 1 dx plus 3 sin integration sin x dx plus 4 integration of e ki power x dx. By using formula integration of 2 plus 3 sin x plus 4 e ki power x dx is equal to 2x minus 3 cos x plus 4 e ki power x plus c. Example next third hai, evaluate of integration x plus 2x square ki whole power 2 dx. Solution, we have integration x plus 2x square ka whole square dx is equal to solve karenge to integration of x square plus 4x cube plus 4x ki power 4 dx. Therefore, integration x plus 2x square ki whole power 2 dx is equal to integration x square dx plus 4 integration of x cube dx plus 4 integration of x cube dx. By use this formula, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 प्लस 4 इंटू x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवेलुएट ऑफ इंटीग्रल 1 प्लस x की पावर 3 अपॉन अंडर रूट x dx। सॉल्यूशन, वी हैव इंटीग्रल 1 प्लस x की पावर 3 अपॉन अंडर रूट x dx। सॉल्व दिस वैल्यूज, इंटीग्रल 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स, देयर इम्प्लाइज इंटीग्रल x की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल x की पावर 3 बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल x की पावर 5 बाई 2 डी एक्स। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दिस यूज फॉर्मूला x की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 3 x की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू x की पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 प्लस x की पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2 प्लस c। दिस वैल्यूज इज सिंप्लीफिकेशन, देयर इम्प्लाइज 2 अंडर रूट x प्लस 2 x की पावर 3 बाई 2 प्लस 6 अपॉन 5 x की पावर 3 बाई 2 प्लस 2 अपॉन 7 x की पावर 3 बाई 2 प्लस c, दैट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवेलुएट ऑफ इंटीग्रल 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 x की पावर माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x dx। सॉल्यूशन, वी नो दैट इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 x की पावर माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x dx। सॉल्व द ब्रेक इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 2 की पावर x इंटू 5x माइनस 5x
into 5 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x into 5x dx. दिस वैल्यूज इज सिंप्लीफाइड टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर माइनस x dx माइनस 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx. वी नो दैट इंटीग्रेशन फार्मूला इंटीग्रल a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c. अप्लाई दिस फार्मूलाज देयर इंप्लाइज 2 इंटू 1 अपॉन 5 की होल पावर x अपॉन log बेस e 1 अपॉन 5 माइनस 1 बाई 5 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर x अपॉन log 1 बाई 2 प्लस c. दैट इज फाइनल आंसर. नेक्स्ट मेथड है बाई सब्स्टिट्यूशन फार्मूलाज पे. इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c. इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू माइनस log mod of cos x प्लस c इज इक्वल टू log of mod sec x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c. अगेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन cosec x dx इज इक्वल टू log mod of cosec x माइनस cot x प्लस c. स्पेशल इंटीग्रेशन बेस्ड फार्मूलाज. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. अगेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. अगेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉसिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ये सम फॉर्मूलेज हैं आपके स्पेशल इंटीग्रल. नेक्स्ट है सुपर स्पेशल इंटीग्रल. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. नेक्स्ट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस सी. नेक्स्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेज बेस्ड प्रॉब्लम. वी नो दैट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी. सो कैन वी आल्सो से दैट इंटीग्रल साइन 2x dx क्या होगा. पुट द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. 2x इज इक्वल टू dt सब्स्टिट्यूटिंग dx इज इक्वल टू dt बाय 2. देयर इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन t dt अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन साइन t dt. वी नो दैट I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 cos t प्लस c. री सब्स्टिट्यूट values of t, then integration of sin 2x dx is equal to minus 1 by 2 cos 2x plus c. that is final answer. Next problem hai hamari conditions par. Integral of the form integration of function ax plus b dx is equal to 1 by 2 function of a x plus b plus c. Based problem evaluate of integration of sin 2x plus 4 dx. Solution we know that integration of sin 2x plus 4 dx is equal to minus cos 2x plus 4 upon 2 plus c. Next problem hai evaluate of integration sec square 3x plus 1 dx. We have integration of sec square 3x plus 1 dx is equal to tan 3x plus 1 upon 3. That is final solution. Next problem hai evaluate of integration of e ki power 3x dx. Solution we have integration of e ki power 3x dx. Put the value of 3x is equal to t differentiating with respect to x. 3x is equal to dt. Then
I is equal to integration of e की power t upon 3 dt. By substitute values of 1 by 3 e की power t plus c, there implies 1 upon 3 e की power 3x plus c, that is final solution. Next, method है integration by parts. आज मैं इसके formula के बारे में बता रहा हूँ. Integration of u into v dx is equal to u integration of v dx minus integration of du upon dv integration v dx all over of dx. First function and second function. First function as it is and differential. Second function is integrate as islet form. दो function आपके product में होंगे. जो u होगा वो आपका first function होगा and जो v होगा वो आपका second function होगा. First function as it is रहता है but first function को ही हम differential करते हैं. But second function जो होता वो integrate होगा पूरे parts में by use the formula. इसे हम solve करेंगे islets के through. I के meaning होता है inverse, L का मतलब होता है logarithmic function, A का मतलब होता है algebraic function, T का मतलब होता है trigonometric function and E का मतलब होता है exponential function. Second condition है integration of e की power x. Function of x plus function of derivative x is equal to e की power x fx plus c. Integration of e की power x जो function होगा वो complicated भी हो सकता है और हमारा simple भी हो सकता है. But अगर complicated होगा तो then the complicated divide into two parts. Function of x plus function of derivative x. इस condition से इसको हम solve करेंगे. Thank you.